प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कैंपस इंस्टीट्यूट के नए टॉपिक में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए। अब वो चेंज चाहे आपका सोमेटिक सेल में हुआ हो या आपका कुछ जर्म सेल, आपको पता है कि सोमेटिक सेल में जो है कहीं ना कहीं माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है, और जबकि जर्मिनल सेल में कौन सा सेल डिवीजन देखने को मिलता है, मियोसिस सेल। तो इसमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडनली कोई चेंज देखने को मिल जाए कहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल में। और आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ सडनली अगर कोई चेंज देखने मिल जाता है तो इसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन आर सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ये वेरिएशन डिसकंटिन्यूस क्यों बोला गया है, ये कंटिन्यूस क्यों नहीं बोला गया है, कंटिन्यूस कब होगा भाई, सिचुएशन भी तो हम कंटिन्यूस होने की। अगर जर्म सेल में वेरिएशन हो रहा है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर वो सोमेटिक सेल में वेरिएशन हो रहा है तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। जैसे मान लिया आप बॉडी बिल्डर हैं, आप जिम करते हैं, तो जिम आप कर रहे हैं ना, आपका आने वाला बेबी थोड़ा ना कर रहा है, वो भी आपके जो अंदर स्पर्म है वो जिम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपकी पूरी बॉडी की जो कॉपी है वो कहीं ना कहीं जीन के द्वारा कोड है स्पर्म के अंदर। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपके एग के अंदर आपकी पूरी बॉडी की फोटो स्कैनिंग जगह से लगती हुई है, वहाँ बोल सकते हैं ना ऐसे, है ना। तो न्यूट्रिशन आर सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन से देखने को मिलते हैं, वहाँ से प्राप्त होता है। ओनली दो न्यूट्रिशन आर हेरिटेबल विच अकर इन जनरल सेल, जो जनरल सेल में वेरिएशन होगा, जो जर्म सेल में वेरिएशन होगा। और जर्म सेल का मतलब हो गया जेनेटिक कोशिकाएं, और जेनेटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आपके अंदर जो बॉयज हैं उनके अंदर स्पर्म, ठीक है, और गर्ल्स के अंदर एग, ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हाइल सोमेटिक म्यूटेशन आर नॉन हेरिटेबल, जो सोमेटिक म्यूटेशन होगा, जो आपकी कायिक कोशिकाओं में म्यूटेशन होगा, वो हेरिटेबल नहीं होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। और म्यूटेशन जो शब्द दिया गया है, काफी बार मेडिकल छोटे छोटे प्रश्न भी पूछता है, नीट में पूछा जाता है कि बताओ भैया आपका जो है म्यूटेशन शब्द किसने दिया, उसमें आपका आ जाएगा ह्यूगो डी बेरिज, ह्यूगो डी बेरिज ने म्यूटेशन शब्द दिया। डी ब्रीज स्पीक म्यूटेशन इन प्लांट ऑर्नोथेरा लेमार्कियाना, जिसे इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। इवनिंग प्रिमरोज एक बहुत ही अच्छा जो है से प्लांट है, इस पर हमने जेनेटिक्स में काफ़ी स्टडी किया है, मेंडल ने इस पर स्टडी किया है, पहले से ही कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय सेट राइट। तो सेट राइट ने सबसे पहले म्यूटेशन डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व सम शॉर्ट लेग सी एन ऑन वैरायटी इन पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग लेग सी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कुछ छोटी पैरों वाली जो भेड़ थी, जिसे एंटॉन कहते हैं, वैरायटी इन पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग लेग्स, उनकी बहुत बड़ी भीड़ में कुछ ऐसी भी सीप थी जिनके पैर कैसे थे, लंबे थे, वो तो शॉक हो गए, ये ऐसे कैसे हो सकता है, जब हमने देखा कि सारी भेड़ें छोटे छोटे पैरों वाली हैं, ये बड़ी पैरों वाली भेड़ कहाँ से आ गई, तो उससे पता चलेगा म्यूटेशन हो सकता है। आपको देखा होगा हमारे कोचिंग लड़की है जिसका नाम है कनिष्का सोलंकी, उसकी आप देख रहे हैं उंगली में या उसकी फैमिली में किसी मेंबर के, उन्होंने देखा होगा एक उंगली और निकली हुई, उसने कहा आल्सो म्यूटेशन, आप उसे म्यूटेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई है आयु सीधी है, बहुत सारे बच्चों को है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक्स्ट्रा होते हैं उनके पास, पास में आ रही है, ठीक है। तो ये सब म्यूटेशन की वजह से है। वीडर एंड कीटन इंड्यूस म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेज एक्सरेज। तो वीडर और कीटन ने इंड्यूस किया, जबरदस्ती म्यूटेट कर दिया, इसमें
में जीरो स्कूला में उन्होंने किसका ज्यादा प्रयोग किया आपके ऊपर यूवी रेखा। अब तुम जानते हो यूवी रेखा अगर कहीं पे डीएनए में ज्यादा ज्यादा अगर यूवी रेखा डालोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है चेंज आ जाएगा डीएनए में। उन्होंने क्या कर दिया वाइल्ड वीडियो स्कोर आप उन्होंने लिया उसमें यूवी रेज का प्रयोग करना शुरू कर और जब यूवी रेज करते रहे उसको म्यूटेंट वीडियो स्कोर बना दिया उन्होंने। ठीक है तो ये आपको जंगली तो जंगली आपने धान देखा होगा हम लोग इतना धान की पहले नर्सरी लगाते हैं तब जाके धान होता है और तालाब के लिए धान के कुछ जंगली पौधे अपने आप उग जाते हैं ना उसमें खाद देने की जरूरत है ना उसमें बीज देने की जरूरत है तो जंगली वाले कुछ ज्यादा ही कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की होती है नहीं होती है। अच्छा आपने जंगली गाय आप बोल सकते हैं ना जंगली गाय इतना जो बाहर घूम रही है तो ये गाय के अंदर भी आसानी बीमार भी नहीं होती घर पर बीमार होती है रोज डॉक्टर से बुलाते हैं बाहर की गाय बीमार आसानी से नहीं होती क्योंकि उनके अंदर भी कुछ चेंज हो जाते हैं बोल सकता हूँ तो म्यूटेट हो जाते हैं है ना। चलो तो यहाँ पे हम बात करेंगे म्यूटेंट स्कोरा डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू ग्रो इन मिनिमम मीडियम बिकॉज ड्यू टू न्यूट्रिशन इज लॉस दो जीन विच कोड फॉर द एंजाइम दैट हेल्प टू प्रिपेयर सम स्पेशल न्यूट्रिएंट फॉर इट। जब म्यूटेशन हो गया न्यूरोस्पोरा के तो उसने अपनी वो जीन खो दी जो जीन से न्यूट्रिशन देने के लिए कैपेबल थी जो इसको न्यूट्रिशन देने के लिए कैपेबल थी या फिर न्यूट्रिशन आसानी से लेने के लिए कैपेबल थी आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं। दे गेव वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट उन्होंने वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया जिसे हमने क्या बोला स्वामीनाथन स्टेबलाइज गामा गार्डन इन IARI उन्होंने पूसा फार्म जो दिल्ली में है जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा पूसा बना हुआ है ना तो इसके अंदर उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया गामा गार्डन के नाम से। ये बहुत बड़ा गार्डन ये पहला ऐसा आपका कॉलेज होगा जो 15-16 किलोमीटर में क्योंकि ये 600 किलोमीटर नहीं है। यहाँ पर जब तुम रिसर्च करने जाओगे तो तुम्हें खेत मिलेगा बकायदा कागज को तो तुम्हें 5 बीघा खेत दिया जाता है रिसर्च को 2 बीघा 1 बीघा। तो म्यूटेशन की बात कर लेते हैं टू टाइप का है पहला है क्रोमोसोम दूसरा है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या है चेंज इन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ठीक है या तो नंबर या फिर स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले हेटरोप्लॉइडी जिसे हम जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं यहाँ पर चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखिएगा हेटरोप्लॉइडी में क्या होगा चेंज होगा क्रोमोसोम नंबर में और क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होगा चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे होगा। ठीक है एक है जी कर लेते हैं अपन कोई चीज हो अपन की बटन ओए हेटरो मेरी प्यारे विद्यार्थी क्रोमोसोम म्यूटेशन में हमने बात की कि चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या तो नंबर चेंज होगा या स्ट्रक्चर बदल जाएगी। हेटरोप्लॉइडी में क्या होने वाला है क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने वाला है अगर किसी का 46 है 43 रह गया 42 रह गया है ना। और क्रोमोसोम एब्रेशन क्रोमोसोम में परिवर्तन हो गया भैया क्रोमोसोम मान लिया आपका है कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंस फोल्डिंग है कहीं पे यू बहुत बड़े बड़े हैं जब लैम प्लस क्रोसूट पड़ा है लैम प्लस क्रोसूट वगैरह लैम प्लस क्रोमियम पढ़ा हो क्रोमियम के बारे में पूरा पढ़ा जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा दिखाई देगा लैम प्लस होता है अलग क्रोमियम होता है उसी कितने हाँ तो वहाँ पे चेंज क्या होगा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा उसकी स्ट्रक्चर में आकृति बदल जाएगी क्रोमियम
हेटरोप्लॉयडी या फिर जीनोमेटिक म्यूटेशन, चेंजिंग नंबर ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम इन सेट ऑफ नंबर ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या नंबर बदल गया क्रोमोसोम, ठीक है, हमें याद रखना है। दूसरा यूप्लॉयडी, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, अगर नंबर चेंज हो रहा है तो हम यूप्लॉयडी कहेंगे। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेट, एनिप्लॉयडी को कहेंगे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेट। एक सेट है उसमें जो है चेंज इन नंबर यानी कि नंबर चेंज हो रहा है उसे एनिप्लॉयडी कहेंगे। ऊपर और नीचे अंतर क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, तो एक क्रोमोसोम का सेट ही पूरा बदल दिया, तो एक दो क्रोमोसोम का सेट है हटा दिया पूरा। और अगर एक सेट है पार्टिकल उसके अंदर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे एनिप्लॉयडी। थोड़ा सा ये वो अंतर है, आप देख सकते हो यूप्लॉयडी और एनिप्लॉयडी में अंतर आपको दिख जाएगा। बीच में यहाँ पे दिया गया है यूप्लॉयडी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आइदर लॉस हो सकता है आपको, एडिशन ऑफ सेट जुड़ सकता है, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम। मोनोप्लॉयडी, प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। डाइप्लॉयडी, प्रेजेंस ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉयडी, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये तीनों ही नाम आपको क्लियर हो गए होंगे, मोनोप्लॉयडी, डाइप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी, क्लियर हो गया। इट मे बी ट्राइप्लॉयडी भी हो सकता है, टेट्राप्लॉयडी भी हो सकता है, पेंटाप्लॉयडी भी हो सकता है, हेक्साप्लॉयडी भी हो सकता है, हेप्टाप्लॉयडी भी हो सकता है, ऑक्टाप्लॉयडी भी हो सकता है, ठीक है। पॉलीप्लॉयडी प्लांट विद इवन नंबर ऑफ सेट आर ऑलवेज फर्टाइल। ध्यान रखिएगा, अगर इवन नंबर के हैं, इवन मतलब सम है ना, जो दो से डिवाइड हो जाए, हाँ, तभी वो फर्टाइल होंगे। अगर वो ऑड नंबर के होंगे तो फर्टाइल नहीं होंगे। रिप्रोडक्टिव रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म सीड, केवल यही सीड बनाएंगे जो सम संख्याओं में होंगे, दो से डिवाइड होने वाले उनके सेट में जो होंगे। नेक्स्ट, पॉलीप्लॉयड्स प्लांट विद ऑड नंबर ऑफ सेट आर ऑलवेज स्टराइल, डोंट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ऑड नंबर है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, मान लिया समझ लो 12 है तो फर्टाइल, 11 रहे तो ऑड नंबर में आ गया तो सारे नंबर रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। दे डोंट प्रोड्यूस सीड, दे प्रोड्यूस तो वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्लियर है। बनाना एंड सीडलेस ग्रेप्स यहाँ पे आया हुआ है एग्जांपल, बनाना और सीडलेस होता है, वही तो खाते हैं, होता है नहीं, नहीं होता है। चलो अब यहाँ पे दिया गया है क्रिएटिन मैच का, ट्राई के इसमें क्रिएटिन मैच का गेहूं कितने क्रोमोसोम दिखाए इसमें, 42 6x हेक्साप्लॉयडी, 6x क्या बनेगा, 4x को टेट्राप्लॉयडी, 5 को पेंटाप्लॉयडी, मुझे लगा ऐसा 6x 2x जायगोट नहीं बनता, मुझे लगा वैसा 6x हेक्साप्लॉयडी। अब राई स्केल क्या पढ़ेंगे, सीरियल्स। अब दोनों बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मम्मा बोलते मम्मा, गेहूँ मम्मा हो जाता है, ठीक है, गेहूँ अपने आप देखा होगा गेहूँ खेत में कुछ एक्स्ट्रा घासें हो जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं मम्मा, क्या बोलते हैं मम्मा। और इसमें इसके जो सीरियल्स हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 14, इधर है 42, इधर है 14। अब दोनों ही स्टेराइल हैं क्योंकि दोनों ही देखा जाए तो कैसे हैं, इवन। अगर ये और होते तो स्टार होते क्या, नहीं। अब क्राइटिक के दोनों की मदद से नया बनाया गया 28 क्रोमोसोम, क्राइटिक के 56 सर। हाँ जी, इवन वाले तो फर्टाइल थे, तो यहाँ पे ये और है, ये सारे इवन है, इवन ही तो है, फर्टाइल। अच्छा स्टेराइल,
अभी ये पूरी तरह से ऐसा बन नहीं पाया ना, अभी इसने पहली बार ही क्रॉस किया है। अच्छा। इसने ट्राई केस बनाया, अभी इसमें कुछ और लाएगा जो बॉल की साइन अंडरलाइन करो ना, उसमें लिखोगे क्या है, ये रिसर्च का विषय है, सारी रिसर्च तुम आ रही है, इसको लिखो ये क्या है, क्या ये कैसे है। हाँ अभी बनाएगा ट्राई डिटेल छप्पन भाई, छप्पन लोग जो मैं आप ये हो गया। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, कुछ नहीं प्यार प्यार से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनइम्प्लॉयड। तो अनइम्प्लॉयड क्या है, आप लोग देखेंगे हाइपो अनइम्प्लॉयड यानी कि यहाँ पे होगा लॉस, हाइपो अनइम्प्लॉयड लॉस होगा यानी कि अगर 2n माइनस 1 हो जाएगा तो मोनोफॉर्म हो जाएगा लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम इन सेट। 2n माइनस 1 माइनस 1 में डबल मोनोफॉर्म हो जाएगा, यहाँ दो क्रोमोसोम का सेट का लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच सेट बट दीज आर नॉन होमोलोगस। तो ये नॉन होमोलोगस तो वैसे ही हो गए क्योंकि जब दोनों सेट में से एक एक क्रोमोसोम चला गया तो क्या है, नॉन होमोलोगस हो गए। 2n माइनस 2 इसे हम नली स्वामी कहेंगे, हाँ। तो लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। मोनोसोमी में एक था, डबल मोनोसोमी में एक एक दोनों सेट में से गायब था, और नली स्वामी में क्या था कि लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे लॉस हुए। नेक्स्ट है हाइपर एन्यूप्लॉयडी, एडिशन हो गया जुड़ जाएगा। तो 2n प्लस 1 यहाँ पर एक और जगह ट्राइसोमी हो गया, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम इन वन सेट 2n प्लस 1 प्लस 1 डबल ट्राइसोमी हो गया। ये एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम इन ईच सेट, दोनों जो सेट है उनमें एक एक क्रोमोसोम जुड़ गया। तीसरा है 2n प्लस 2 टेट्रासोमी, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम इन वन सेट, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम इन वन सेट का हम कहेंगे टेट्रासोमी। प्रोसेस ऑफ एनिप्लॉयडी इन क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन मींस क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। अभी आ गया बेटा भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली बात कहने लगा, सही बात है ना। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम जो है नॉन डिसजंक्शन शो कर रहा है, यानी क्रोमोसोम फेल हो रहा है सेपरेट होने में। भाई आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है और गलती से आपके किसी एक स्पर्म सेल में 23 की जगह 24 क्रोमोसोम पहुंच गए, हो सकते हैं आप 23 या 22 रह गए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो नहीं तो जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हां तो सही, हां सर अभी तो जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हां ये बात तो सही है, शादी जल्दी करनी चाहिए। शुरुआत में मतलब ऐसा माना जाता है कि 20 साल पर जो बेबी रहते हैं वो बहुत एक्टिव माने जाते हैं, लेकिन हम लोग 30 की शुरुआत करते हैं और तब हमारे गैमेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा कैसे हो चुके होते हैं, सिथिल, हाँ, नॉन डिसजंक्शनल हो जाते हैं। तभी तो क्लाइंट फिल्टर से बहुत छुपे दो, हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर चांस हैं। और शुरुआत में उत्तेजना काफ़ी, बाद में उत्तेजना भी नहीं जाती। तब क्या करें, अच्छा स्टॉप कर दिया, सॉरी। अब ये बातें पसंद नहीं। Causes of aneuploidy of chromosome non-disjunction means chromosomes chance of aneuploidy are more in higher age female. तो जो ज़्यादा age female हो जाती है due to less active of oocyte, क्योंकि oocyte बहुत कम active रह जाते हैं। So chance of syndrome increase in children who are born from higher age to male. ज़्यादा एज की औरतों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सिंड्रोम के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम प्यार प्यार की बात करेंगे, क्रोमोजोमल एबरेशन की बात करेंगे। तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, अब ये स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। सबसे पहला पॉइंट है डिलीशन, कोई सेट डिलीट हो गया, जैसे मान लिया एक दो तीन चार थे, एक डिलीट हो गया, तीन चार रह गए, दो डिलीट हो गए, इस तरह से। तो डिलीशन में
लॉस ऑफ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच लीड टू लॉस ऑफ सम जीन इज कॉल्ड डिलीशन। कोई पार्ट डिलीट हो गया है, ये दो तरह के हैं, टर्मिनल डिलीशन लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन और बोथ एंड, कभी कभी ऊपर नीचे दोनों में डिलीट होगा, कभी कभी एक ही एंड में डिलीट होगा, है ना, इस तरह से रहेगा। क्राई टू चैट सिंड्रोम, नाम कितना बढ़िया है, दिस एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनल डिलीशन शॉर्ट आप ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। तो बाएं कैसे हो जाएंगे, छोटी हो जाएगी, नहीं शॉर्ट आर उसकी, सॉरी उसकी जो आर है वो शॉर्ट, अभी जब नहीं था 1 2 3 4 5 6 7 एक आर कैसे हो जाएगी छोटा, की मतलब क्रोमोसोम का जैसे गया छोटा हो जाएगा एक आर, ठीक है, फिफ्थ क्रोमोसोम उसका जो है वहां पे प्रॉब्लम देखने को। सर इस शादी करेगा, अरे हम तो चालू शादी करेंगे, इनवर्जन ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, यानी कि क्रोमोसोम सेगमेंट का ब्रेक हो जाना, बट री यूनियन ऑफ सम क्रोमोसोम इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, इट लीड टू चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम और सेगमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, सो क्रॉसिंग ओवर इज अफेक्टेड। क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज का हो गया, दो घूम गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेंज हो गए यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो ये हम कहेंगे पैरासेंट्रिक इन इन्वर्जन अकर ओनली इन वन आर्म, केवल एक आर्म में अगर ये देखने को मिलेगा, एंड इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर। दूसरा है पेरिसेंट्रिक इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इन वर्टिक सेगमेंट इंक्लूड सेंट्रोसोम। अब यहाँ क्या चेंज हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 पूरा ये सेट इसका भी इधर चला गया है, ये वाला सेट इधर चला गया है, तो इसे हम कहेंगे पेरिसेंट्रिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डुप्लीकेशन के बारे में, अकर ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट ट्विस्ट ऑन क्रोमोसोम, एग्जांपल इन ब्लास्टोसिस्ट, बार आई कैरेक्टर, बार आई कैरेक्टर आंखों का कैरेक्टर की बात करी जा रही है यहां पे, इज ऑब्जर्व ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बार आई के कैरेक्टर वेयर आई आर नैरोवर एज कंपेयर टू नॉर्मल आई से, चेंज क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी डिलीट हो गए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ दोनों यहाँ पे कहाँ आ गए, ई एफ ई एफ डबल हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन, कभी ट्रांसलोकेशन भी देखने मिल जाता है, इन दिस अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी जॉइंट विद नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो नॉन एज इली, क्या पढ़ेंगे इसे, इली का, हाँ इली की टीम है, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अबाउट ट्रांसलोकेशन, इन दिस अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी जॉइंट, या तो कोई पार्ट क्रोमोसोम का कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा या जॉइन हो जाएगा, क्या है, व्हेन अ क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक एंड अटैच
to a terminal end of a non-homologous chromosome. 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेंज किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 दो हट गए, A B C D E F यहाँ चेंज किया हुआ, A B C D E F और यहाँ का जो हटा हुआ है वो यहाँ जुड़ गया, कहीं हटा तो कहीं जुड़ गया, ठीक है। ये सिंपल ट्रांसलोकेट, वैसे तो सर अगर ह्यूमंस में भी हो तो कहीं का ऑर्गन कहीं पहुंच जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाए अभिषेक, मैं तो हिल गया भाई अर्पित का सुना क्या हो गया हाँ आपका सुना पैर में ऐसा फ्रैक्चर आया, तुम भी ऐसे ही रहो जल्दी से सिलेक्शन लेके, प्रॉपर ट्रांसलेशन इन हैपनिंग एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो गायब हो गए, ए बी सी डी ई एफ, ये ई एफ कहां पहुंचा इस पर पार्श्व खा ले लीजिए, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कैंसर, क्या होता है ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर, सीएमएल इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, क्या होता है ये ब्लड कैंसर होता है, दिस डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांस क्या है ट्रांसलेशन बिटवीन 22 एंड 9 क्रोमोसोम, अगर 22 और 9 क्रोमोसोम का लोकेशन बदल जाएगा तो आपको कौन सा कैंसर हो जाएगा ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाएगा। Note, if exchange of segment takes place in between homologous chromosomes, then it is called crossing over. समझ में आ गया नहीं आ गया? यार ये नाम याद रख पाओगे? Leukemia, blood cancer. कर दो यार. Sarcoma, बोलो sarcoma, carcinoma. ये सब cancer हैं. नमक के फंसाएंगे. Cancer के अलग से class नहीं. हाँ. अब हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है ट्रांसलेशन म्यूटेशन। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे सबसे पहले जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन में। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एक नाइट्रोजनस बेस की जगह अगर दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है तब भी परिवर्तन हो जाएगा, उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोजन बेस तो आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एजी, चिंटू पढ़ा था यूरिया में, एजी और बार्डिन में चिंटू, तुम उस दिन थे क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, पता नहीं थे, ये मुझे पता है हमने आपको पढ़ा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिस, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। इट कॉसेस चेंज इन वन कोडॉन इन जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड का एक कोडॉन यहां पर क्या हो जाएगा कॉज कर जाएगा, व्हिच लीड टू चेंज इन वन अमीनो एसिड, जिससे एक अमीनो एसिड बदल जाएगा और अमीनो एसिड बदल जाएगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, बदल जाएगा भी बदल जाएगा बिल्कुल। सिकल सेल एनीमिया इसी का एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है चेंज हो रहा है,
भाई कितने का सेट होता है, तीन का सिप्पी नहीं आई वो बताती क्या से पूरा बताया इनिशियल कोडन कौन से होते हैं एंड कोडन ये भी सर अगर कोडन चेंज होगा तो उनके सर केमिकली कैसे चेंज हो जाएंगे बस वही चेंज रहेगी कैसे क्योंकि तीन कोडन से ही एक अमाइनो एसिड बनेगा जब उनका सेट बदल जाएगा तो अमाइनो एसिड का टाइप बदल जाएगा और जब अमाइनो एसिड का टाइप बनेगा अमाइनो एसिड में जो प्रोटीन आएगा प्रोटीन का टाइप बदल जाएगा और जब प्रोटीन का टाइप बनेगा तो प्रोटीन से फिर आगे चल के जैसे अगर रिवर्स ले जाते हैं तो उससे आरएनए डीएनए में सेट पड़ जाएगा Dear students, अब हम बात कर रहे हैं आपसे ट्रांसवर्जन क्या होता है ट्रांसवर्जन रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरीन बाय पिरिमिडीन ये बहुत अच्छा है प्यूरीन है रिप्लेस कर रहा है पिरिमिडीन पॉसिबल तो कैसे है क्या बात कर रहे हैं आरएनए बन जाएगा हां सही बात सही कह रहे हो सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड ए हमेशा टी से जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ यस सी हमेशा जी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड साथ ए जी हो जाएगा पॉसिबल है बिल्कुल नहीं कह रहे हो क्योंकि म्यूरिन से म्यूरिन थोड़ा जुड़ रहा है तो पॉसिबल नहीं होता पॉसिबल है ना यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट प्यूरिन बाय पिरिमिडीन पॉसिबल है ना बाय पिरिमिडीन प्यूरिन टू पिरिमिडीन बाय प्यूरिन इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन ठीक है तो ये हमें समझ में आ रहा है पिरिमिडीन में सर यूरेसिल भी तो आता है हां ऐसे है लेकिन वो डीएनए आरएनए में आएगा थायमिन की जगह थायमिन को रिप्लेस कर देगा भाई आरएनए में थायमिन तो होता नहीं जब वो पहले से ही रिप्लेसमेंट करता है हां बिल्कुल सही बात चलो अब एक बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेम शिफ्ट कोई सर शूटिंग कर स्नैपिंग ये क्या हुआ क्या हुआ चलो प्यारे विद्यार्थी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन गिब्रिस क्या पढ़ेंगे लॉस और एडिशन ऑफ वन और रेयरली मोर देन वन नाइट्रोजनस बेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी कि यहाँ पे लॉस होगा या एडिशन होगा एक या एक से ज्यादा रेयरली नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस क्या होगा या तो एडिशन होगा या लॉस होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप पहला है एडिशन दूसरा है डिलीशन क्या कर रहे हो अभिषेक बंद कर दे यार आप एडिशन की बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वन और रेयरली मोर देन वन नाइट्रोजन बेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर एक नाइट्रोजन बेस जुड़ जा रहा है अगर जुड़ रहा है तो फिर वो एडिशन हो रहा है और लॉस ऑफ वन और रेयरली मोर देन वन नाइट्रोजन बेस इन स्ट्रक्चर और डीएनए तो ये डिलीशन है डिलीट हो रहा है एडिशन हो रहा है तो सर दो नाइट्रोजन बेस लगेंगे एक कंटेंट बन गया सर ये गुस्सा लाइव क्लास में ना कुर्सी आ गई अभी पैसे नहीं है बेचारा पहले भी आवाज आ रहा है उसको चढ़ा रहे हैं सर बार बार आप कहां से पैसे ले आए लड़का तो मेरा ही ओ प्यारे विद्यार्थी
सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में ये सबसे अच्छा है, उसका एग्जांपल है थैलेसेमिया। लेथल जेनेटिक डिसऑर्डर। थैलेसेमिया में क्या होता है? लेटर बच्चे था तो थैलेसेमिक था, उसमें बहुत सारे चेंज देखने को मिले थे। याद है मैंने थैली याद आ गए दिखाना सर कहाँ दिखा रहा स्टेशन। अब हम बात करेंगे म्यूटाजीन। म्यूटाजीन्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कॉज म्यूटेशन नॉन आयनाइजिंग यूवी रे। तो म्यूटाजीन आर दोज सब्सटेंस व्हिच कॉज म्यूटेशन। म्यूटाजीन भी म्यूटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब चार मोस्टली म्यूटेशन आर हार्मफुल। ज्यादातर कैसा होता है म्यूटेशन? हार्मफुल होता है। समटाइम्स दे आर लीथल which lead to death of organism. कभी-कभी इसकी वजह से organism में death भी हो जाती है, cancer वगैरह बन जाता है। But sometimes they are beneficial, which are used to obtain good variety of plant and animal. It is called as mutation breeding. जैसे mutation breeding कहते हैं जब हमें इसकी फायदा मिलता है, इससे नई-नई वैरायटीयां बनती हैं। Mostly mutation are recessive and they never eliminate from a population. ज्यादातर ये कैसा होता है? प्रभावी होता है, रिसेसिव होता है, और पॉपुलेशन में एलिमिनेट बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये आगे देखे जनरेशन में आगे देखे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। तो वाइल्ड जीन का म्यूटेंट जीन में कन्वर्ट हो गया। म्यूटेंट म्यूटॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच अंडरगोज म्यूटेशन, ठीक है। इट इज वन न्यूक्लियोटाइड। मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। क्या होता है मिससेंस म्यूटेशन? व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड चेंज इन जेनेटिक कोड कॉसेस द चेंज ऑफ वन अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन। इसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। नॉनसेंस, सेम सेंस, ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड चेंज इन वन कोडॉन कॉसेस टर्मिनेशन ऑफ polypeptide synthesis by producing nonsense codon, ठीक है। तो sense codon क्या होता है? Next है sense codon क्या होता है? A change in one nucleotide in a codon does not change amino acid in polypeptide chain because both codons code same amino acid, ठीक है। ये हमारे तैयारी करना पड़ेगा, लिखना भी। DNA fingerprinting, DNA typing, DNA